जय हिंद आखिर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है एक कलाकार जो है बार बार लाइव आके रोने को मजबूर क्यों हो जा रहा है एक कलाकार ये क्यों कह रहा है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दू, दूंगा और एक कलाकार का नाम रख के उसकी बेटी का नाम रख के गाना गाया जा रहा है और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के ही कुछ लोग मजे ले रहे हैं यकीन कीजिए कि कल आपकी बेटी का नाम लेके और आपका नाम लेके गाना गाया जाएगा हालांकि खेसारी लाल यादव ने भी बहुत सारी लड़कियों का नाम लेकर गाना गाया है यह बात सत्य है उन्हें वो नहीं करना चाहिए था लेकिन लड़की का नाम उसके बाप का नाम लेके आज तक खेसारी लाल यादव ने गाना नहीं गाया हिंदी फिल्म में भी बहुत सारा ऐसा गाना बना है हिंदी फिल्म में भी एक मोना डार्लिंग थी तो क्या मोना नाम की सारी लड़कियां जो है डार्लिंग हो गई बेबी डॉल थी बहुत सारी चीजें तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है मैं तो लंबा ट्रैवलिंग में था आ, पिछले आठ घंटे से मैं सफर कर रहा था अभी मैं पहुंचा हूं होटल में पहुंचने के बाद मैंने सोचा गया कि कुछ चीजों पे जो है बोलना जरूरी है और अगर आज हम खामोश रहेंगे तो कल हमारे साथ भी यही होने वाला है गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए जरा सोचिए एक भैंस चराने वाला कलाकार दूध बेचने वाला कलाकार लिट्टी बेचने वाला कलाकार जो है अपने संघर्ष के दम पे जो है आगे बढ़ा उसका कोई गॉड फादर नहीं था खेसारी लाल यादव का जो है इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर नहीं था उसने जो भी किया वो अपने दम पे किया हालांकि कुछ लोगों का नाम लेके उन्होंने भी गाना गाया था जो गलत था लेकिन उन्होंने लड़की का नाम लड़की के बाप का नाम लेके कभी गाना नहीं गाया अब जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत हो रहा है और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है और इसका विरोध आज ही आप लोग कीजिए मैं गुजरात में हूं मेरे मोबाइल में 5G नेटवर्क चल रहा है 5G स्पीड जो है 500 सौ एमबीपीएस से ज्यादा है यहां पे डेवलपमेंट की बात होती है अहमदाबाद में जो स्थित है बुलेट ट्रेन उसका रिपोर्टिंग अभी मैं करके आ रहा हूं जो मुंबई तक जाएगा क्यों नहीं पटना से दिल्ली का पहले बुलेट ट्रेन बना क्योंकि उसमें भी ये हो जाता कि वो उद्घाटन करते समय कौन सा जाति का नेता काटेगा कौन सी जाति पे कौन सा गाना गाए यार हो गया यार, मतलब गंध मचा के रख दियो और प्रशासन को, को कोई मतलब नहीं है इससे नेता को कोई मतलब नहीं है इससे इसलिए कि आप लोग जब तक इसी चुतियापा में उलझे रहोगे तब तक वो लोग मलाई खाते रहेंगे तब तक गलत हो रहा है विरोध कीजिए और यहीं पे आप लोग रोकने का प्रयास कीजिए देखिए खेसारी लाल यादव का एक बच्चों पे गाना आया है कि पढ़ा ना तो हो जाए फेल मैट्रिक पास हो जाए पढ़बू तब रितेश पांडे का भी आज एक गाना आया है आज और उनका भी जो है पढ़ाई लिखाई पे गाना आया है यार भोजपुरी इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे ग्रो करने का प्रयास कर रहा है रवि किशन जी जो है दस करोड़ रुपया का फिल्म बना रहे हैं दस करोड़ का जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आज तक फिल्म नहीं बना था पैन इंडिया फिल्म बन रहा है इन सब चीजों पे क्यों नहीं कोई गाली देने का मन करता है इसीलिए क्यों नहीं चर्चा करता है रवि किशन का दस करोड़ का फिल्म आ रहा है रितेश पांडे का बच्चों के पढ़ाई के लिए गाना आया खेसारी लाल यादव का बच्चों के पढ़ाई के लिए गाना आया पवन सिंह का जो है पोदीना टू आया है साफ सुथरा गाना है चल रहा है अभी चल रहा है पोदीना टू इन सब चीजों पर क्यों नहीं कोई चर्चा करता <governa 2> एक कोई आता है लड़की का नाम रखता है उसके बाप का नाम रखता है आज तक कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री का कहीं भी किसी ने किसी लड़की का और लड़की के बाप का नाम रख के गाना गाया है क्या कहीं नहीं गाया गाना गाया है और इसका विरोध होना चाहिए और ये ऐसे लोग जो है ना ना भूमियार समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ना राजपूत समाज का ना यादव समाज का ना किसी और समाज का किसी भी समाज का ऐसे लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं ये लोग समाज और कुल का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं जबकि कुल का और समाज का नाम जो है मिट्टी में मिला रहे हैं विरोध कीजिए रोकिए इसे आप लोग अभी का अब भी रोकिए इसे प्लीज विनती है आप लोगों से आठ घंटे का सफर करके जो है मैं अभी आया हूं और अभी हम लोग क्या बताएं यार आप लोग थोड़ा सा समझिए समझना होगा डेवलपमेंट पे बातें करना होगा बिक अस्पताल हमारे यहां सही नहीं है अहमदाबाद में मैं देख के आया बात होता है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे एशिया का पीएमसीएच को अरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में है जाके एक बार आप लोग आइए और इलाज का व्यवस्था देखिए कि कैसा व्यवस्था है कितना बढ़िया व्यवस्था है कितना साफ सुथरा अस्पताल है मतलब कि दिल्ली एम्स भी उतना साफ सुथरा नहीं है जितना अहमदाबाद का जो है सिविल हॉस्पिटल साफ सुथरा है एक लाख बत्तीस हजार कैपेसिटी वाला जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो गुजरात में है चार चार इंटरनेशनल स्टेडियम है चार इंटरनेशनल स्टेडियम है तीन तीन रणजी टीम है बिहार में क्या है एक रणजी टीम है वो भी 2018 या 19 में मतदाता मिला वो भी जाके जो है गोवा जैसे राज्य से आ जाता है जिसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ अठारह लाख है इन सब चीजों पर तो चर्चा होगा नहीं अरे यादव के भी परिवार वाले जो है सरकारी अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं भूमियार के भी तोड़ रहे हैं राजपूत के भी तोड़ रहे हैं पासवान के भी तोड़ रहे हैं किस समाज के लोग नहीं तोड़ रहे हैं उन सब चीजों पर क्यों नहीं चर्चा किया जा रहा है कि किसी ने किसी को कैसे ये परमिशन दे दिया है कि किसी की बेटी का नाम और उसके बाप का नाम रख के गाना गाए ये गलत है इसका विरोध कीजिए आप लोग प्लीज यहीं पे और इसे खत्म कीजिए ये खत्म हो जाना चाहिए यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए और इन सब चीजों पे चर्चा ही नहीं होना चाहिए अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े कलाकार हैं वो डरे हुए हैं वो गंदा गाना नहीं गा रहे हैं वो अच्छा गाना गा रहे हैं तब तक इधर से फुलभंगा कोई कलाकार गंदा गाना गा देता है और उस गाने पर हम लोग इतना चर्चा करते हैं इतना चर्चा करते हैं इतना चर्चा करते हैं कि वो गाना हिट हो जाता है अगले दिन वो जाके जो है वो तीस लाख का गाड़ी खरीद लेता है और उसके अगले दिन उसी गाना का पार्ट टू बना देता है, है। समझे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्या बना रहा है बाहुबली पार्ट टू साउथ फिल्म इंडस्ट्री क्या बना रहा है बाहुबली पार्ट टू यार एक बाहुबली ने जितना पैसा कमाया है ना आज तक भोजपुरी फिल्म जितना बना है सबका प्रॉफिट अगर जोड़ देंगे ना तो वो बाहुबली इतना नहीं कमा पाए एक पार्ट के इतना नहीं कमाया दोनों पार्ट तो छोड़ दीजिए जरा सोचिए बहुत सारे हम लोग प्रोड्यूसर से मिलते हैं बहुत सारे डायरेक्टर से मिलते हैं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं वो लोग कहते हैं कि क्या करें दर्शक जो है वो समझने का नाम ही नहीं लेता है अरे समझिए लोग प्लीज विनती है आप लोगों से कि ये जातिवाद से ऊपर उठ जाइए प्लीज विनती है अगर जातिवाद में अगर आप लोग फंसेंगे तो बर्बादी की कहानी सबकी लिखी जाएगी और सारे के सारे लोग बर्बाद होंगे अगर आप लोगों को बिहार के बारे में ज्यादा जानना है ना तो बिहार में मत रहिए कुछ पैसा खर्च कीजिए और देश का चार राज्य घूम लीजिए जो भी चार राज्य मन करे जो सबसे पिछड़ा चार राज्य हो ना वो चार राज्य घूम लीजिए और उससे अपने बिहार का तुलना कीजिए पता चलेगा कि अपना बिहार जो है देश के सबसे पिछड़ा राज्य से भी चालीस साल पीछे है क्यों क्योंकि हम लोग जातिवाद में उलझे हुए हैं किसी को यादव स्टार चाहिए किसी को राजपूत स्टार चाहिए किसी को भूमियार स्टार चाहिए किसी को पासवान स्टार चाहिए किसी को कुर्मी स्टार चाहिए जरा सोचिए हम लोग पॉजिटिव बातें क्यों नहीं करते हैं समझा कीजिए इतनी रात को जो है हम लोग मैं ऐसे भी इन सब चीजों में नहीं लजना चाहता हूं नहीं पढ़ना चाहता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करता हूं विकास पे बात करता हूं मैं सिर्फ 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 उन्हीं सब चीजों पे बात करता हूं बस आप लोगों से विनती है कि आप लोग जो है ऐसा ना करें विनती है आप लोगों से और आप लोग जो है बिहार के विकास में जो है योगदान दें कल इतिहास लिखा जाएगा बिहार का बिहार को जिसने बर्बाद किया है उसका भी नाम लिखा जा जाएगा और बिहार को जिस बिहार को जो आगे बढ़ाने की बात करेगा उसका भी नाम लिखा जाएगा अब आप लोगों को सोचता है कि आप लोगों को बर्बादी की कहानी वाले पन्ने पे अपना नाम लिखवाना है कि विकास की कहानी वाले पन्नों पे अपना नाम लिखवाना है यह आप लोगों के ऊपर है बस आप लोग ये सब ये सब विनती है आप लोगों से आप लोग ये सब छोड़ दीजिए और यहीं पे इन सब चीजों को रोकिए अगर नहीं रोकेंगे ना तो गलत है गलत है अगर आप लोगों को कंपटीशन किसी को कंपटीशन करना है रातों रात स्टार बनना है तो मेहनत करें ना मेहनत करके वो स्टार बन सकता है ऐसे कोई स्टार नहीं बन सकता है नहीं बन सकता है लिख के रख ले जिंदगी में कभी नहीं बनेगा कभी नहीं एक गाना आएगा दो गाना आएगा उसके पास से कुछ नहीं होने वाला है लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे स्टेज नहीं देंगे जो लोग सोचता है ना कि ऐसे कर लेंगे और जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जो है इस मैटर पे भी चुप है ना यकीन मानिए कि आपके भी बहन बेटी के बारे में ऐसा बोला जाएगा और जो भोजपुरी इंडस्ट्री का भड़ुआ कलाकार जो है इसको आग लगा रहा है ना और जिसने गाना गाया है ना वो भी गलत है उस कलाकार को जो जूता मार के आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से निकाल दीजिए सभी लोग सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जो है इन सब चीजों का विरोध करें और यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस फिक्स किया जाए साथ ही साथ जो है विनती है बिहार सरकार से कि मुझे पता है कि आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे भी पहले जो है बहुत बड़ा बड़ा विवाद हुआ है आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का विवाद में बिहार उलझा रहे ताकि जो है डेवलपमेंट पे बात ही नहीं होगा बात ही नहीं होगा रोजगार पे बात ही नहीं होगा शिक्षा पे बात ही नहीं होगा स्वास्थ्य पे बात ही नहीं होगा आज बीपीएससी के बच्चे जो है रोज आंदोलन करते हैं रोज 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 बीपीएससी में इतना बड़ा गड़बड़ है और जिसके वजह से बच्चे जो है हमेशा परेशान होते हैं आज टीचर बाग में रोज ना जाने कितने सालों से बैठे हुए हैं कितने सालों से बैठे हुए हैं उसके अलावा जो है जब हमारे पत्रकार जाते हैं किसी भी चैनल के पत्रकार जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो ठीक है आए हैं आंदोलन का कवरेज करने लाठी चार्ज हो जाएगा तो उसका एक वीडियो बना के चले जाएंगे पत्रकार लोग पटना में पत्रकार लोग इंतजार करते हैं कि ये लोग निकले हैं तो लाठी चार्ज होगा उसका कवरेज करेंगे आंदोलन <coughs> का कवरेज नहीं करने, ज, ज, करने जाते हैं पुलिस वाले भी सोचते हैं कि चलो बीपीएससी uh, वाले निकले हैं दरोगा वाले निकले हैं टीचर वाले निकले हैं दस मिनट इनको समय दो दस मिनट तक कर दे दो थोड़ा बहुत उसके बाद से दस मिनट के बाद लाठी वोटी बांज बूझ के आधे घंटे में आंदोलन खत्म कर देंगे इन सब चीजों पे तो चर्चा हो नहीं रहा है हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन सब चीजों पर चर्चा कीजिए ना महेंद्र सिंह धोनी बिहार में क्यों नहीं पैदा हुआ ईशान किशन बिहार में क्यों नहीं बना बिहार में तो पैदा हो गया बिहार में क्यों नहीं बना सोचिए ना थोड़ा सा पचासी रन पे जो है बिहार क्रिकेट टीम जो है रणजी में जो है गोवा के, के खिलाफ बुक हो जाती है आज अगर इंडस्ट्री में पवन सिंह भी अपने दम पे जो है आगे बढ़े हैं नो डाउट उन, उनसे सुरीला गाना गाने वाला अभी वर्तमान समय में कोई नहीं है पवन सिंह से सुरीला गाना कोई नहीं गाता है खेसारी लाल यादव दूसरे क्षेत्र में टैलेंटेड है वो जो फिल्म बनाते हैं उसमें जो कॉमेडी करते हैं वो उनका टैलेंट है रितेश पांडे वो जो है कभी भी किसी का कॉपी नहीं करते हैं कॉपी किया हुआ गाना नहीं लेके आते एक ही गाना लेके आते हैं हेलोकॉन नौ सौ मिलियन सीधे रिकॉर्ड तोड़ देता है सबका रिकॉर्ड तोड़ देता है रितेश पांडे का गाना है ना सबका हिंदी फिल्म के लोगों ने हेलोकॉन का कॉपी किया अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों ने हेलोकॉन का कॉपी किया किसी ने चर्चा किया हेलोकॉन ने कितना रिकॉर्ड बनाया हेलोकॉन पे जो है बंगाल में गाना बना हरियाणा में गाना बना राजस्थान में गाना बना हिंदी फिल्म में गाना बना तो इन सब चीजों पे तो चर्चा करने का समय नहीं है नहीं है ना बस आपस में लड़ते रहेंगे आपस में लड़ते रहेंगे आपस में लड़ते रहेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से भी कहना चाहता हूं वो जो कलाकार जो है किसी और के खिलाफ गाया है गाना किसी भी के कि खिलाफ वो भी गलत किया उसका भी विरोध कीजिए लोग उसको भी निकालिए भोजपुरी इंडस्ट्री से अगर आप लोग नहीं निकाल सकते हैं तो फिर कल जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के समर्थन में कोई नहीं आएगा कोई नहीं मतलब कोई नहीं आज देखिए साउथ इंडस्ट्री के किसी कलाकार को आप गाली देके देखिए अभी बिहार में साउथ इंडस्ट्री के कलाकार को गाली देके देखिए बिहारी लोग जो है ना मुंह तोड़ के रख देंगे आपका आप आप आप, 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 आप दूसरे इंडस्ट्री के कलाकार को गाली देके देखिए देखिए वहां पे जो है फिफ्टी परसेंट लोग समर्थन में खड़े हो जाएंगे लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के समर्थन में लोग नहीं खड़े हो रहे हैं आप लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं आप लोग एक बार जो है एक बार आप लोग एक साथ बैठिए आप लोग तो एक साथ बैठते नहीं है एक साथ बैठिए कम से कम जो है साल में दो बार आप लोग जो है एक साथ बैठ के जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास पे आपसी भाईचारा पे कैसे बिहार का डेवलपमेंट इन सब चीजों पर चर्चा कीजिए और हां करना है डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को अगर करना है तो करें ना रितेश पांडे ने भी जो है पढ़ाई लिखाई पे गाना गाया है हाँ गाना है तो गाना के हिसाब से रहेगा गाना है तो हनुमान चालीसा नहीं होगा गाना है तो उसमें जो है गायत्री मंत्र नहीं होगा गाना है वो गाना के हिसाब से है पढ़ाई लिखाई पे है उनका भी गाना है रितेश पांडे का भी गाना है अच्छा है गाना खेसारी लाल यादव जी का भी अभी एक दिन पहले आया है गाना उनका भी गाना अच्छा है पवन सिंह जी का भी गाना आया है पुदीना टू वो भी साफ सुथरा है तो इन सब चीजों पर चाचा तो हो नहीं रहा है और सभी लोग भोजपुरी के जितने भी कलाकार है सभी लोग आप लोग आपस आप में भाईचारा बना के रखिए कुछ लोग जो है किसी और को गाली दिलवाते हैं कुछ लोग जो है किसी और को गाली दिलवाते हैं जाके देखिए है ना यार जब कोई आता है ना मेरे पास और बोलता है ना कि भैया बड़ी गड़बड़ होता हमारा परिवार के लोग मर जाए पच्चीस लाख रुपया चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट करावे के बाद करेज फाट जाला लेकिन मदद ना कर पावे नहीं पता बा का है? का है के समय में इतना ना फजीहत हो गई और एक बात जो समस्तीपुर रोसड़ा का एक बच्ची थी जिसको एस एम ए टाइप वन हुआ था उसको भी एस एम ए टाइप वन था वो बच्ची दो साल पांच दिन की होते होते मर गई आज मरी है अयांश का अगर जान बचा लिया होता ना मैं तो उस बच्ची का भी जान बचा लिया होता वो आज डेथ कर गई जरा सोचिए वही उत्तर प्रदेश ऐसे में टाइप वन अगर बीमारी झूठा था तो फिर उत्तर प्रदेश की बच्ची को इंजेक्शन क्यों पड़ा गुजरात की बच्ची को इंजेक्शन क्यों पड़ा केरल की बच्ची को इंजेक्शन क्यों पड़ा यार मतलब कि हमारे यहां जो है हाथ खींचने वाले कम और टांग खींचने वाले ज्यादा हो गए हैं ऐसा ना किया जाए और हो सकता प्लीज विनती है आप लोगों से आप सभी से विनती है और इस प्रकार का गाना गाने वाला तो हमारा समाज का जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता है हमारा समाज का प्रतिनिधित्व वीर कुंवर सी कर सकते हैं जरा सोचिए है। हम उन्हें जो है अपना हीरो मानेंगे राजेंद्र प्रसाद कर सकते हैं हम उन्हें अपना हीरो मानेंगे श्री कृष्ण बाबू कर सकते हैं हम उन्हें अपना हीरो मानेंगे हम ऐसे लोगों को कैसे हीरो मान सकते हैं जो किसी की बेटी के नाम पे उसका बाप का नाम रख के जो है गाना गाता है कैसे मान सकते हैं आप लोगों से विनती है इतनी रात को जो है आप लोग जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं इतने सारे लोग विनती है आप लोगों से विरोध कीजिए इन सब चीजों का और सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए नहीं तो कल आपके भी परिवार के साथ गलत होगा हॉस्पिटल में कोई मदद करने नहीं आएगा आप लोगों का जो कॉलेज में मार्कशीट में गड़बड़ होगा पढ़ाई में गड़बड़ होगा सेशन समय पे कंप्लीट नहीं होगा शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए रोजगार के लिए यहाँ तक कि मरने के लिए भी बिहार से बाहर जाना होगा विनती है बहुत सारे लोग मेरा भी विरोध करते हैं मैं जवाब नहीं देता हूँ क्या जवाब दूंगा लेकिन मुझे भी बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है ऐसा नहीं है नहीं बुरा लगता है? मुझे भी बुरा लगता है कुछ लोग जो है जवाब दे देते हैं कुछ लोग जवाब नहीं देते हैं लेकिन मैं अपने लिए कभी भी जो है आवाज आवाज नहीं उठाता हूं नहीं आज भी मैं आ रहा हूं लाइव आया हूं इतनी रात को आठ घंटे का लगातार सफर करने के बाद जो है तो मैं इसलिए आया हूं कि बिहार की तरक्की हो बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री की तरक्की हो क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जो है कोई गलत बात बोलता है तो हमें बुरा लगता है हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री अगर गौरवशाली रहेगा बाहुबली टू जैसी जा फिल्में बाहुबली वन जैसी फिल्में के जी एफ जैसी फिल्में जो है अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में बना रहेगा तो शायद जो है हम लोग जाके बाहर गर्व के साथ कहेंगे अरे हमारा इंडस्ट्री जो है इतना बड़ा है अभी कन्नड़ इंडस्ट्री में एक फिल्म बना है ना कंतारा सिर्फ और सिर्फ दस करोड़ रुपया का बजट से बना है सिर्फ दस करोड़ रुपया के बजट से कैमरा का एंगल और कलाकारों की कलाकारी ने जो है आग लगा दिया है 500 सौ करोड़ रुपया का बजट 500 सौ रूपया का कलेक्शन किया है भोजपुरी इंडस्ट्री के टोटल फिल्मों का कलेक्शन अगर ऐड कर दिया जाए तो 500 सौ करोड़ रुपया नहीं हुआ होगा एक कंतारा जो 10 करोड़ रुपया में फिल्म बनी और आज रवि किशन जो है 10 करोड़ रुपया का फिल्म बना रहे हैं पैन इंडिया फिल्म अभी दस करोड़ रुपया बजट है वो धीरे धीरे बजट बढ़ेगा ही घटेगा नहीं पैन इंडिया फिल्म बन रही है गोरखपुर में शूटिंग होगी बिहार में शूटिंग होगा अभी बिहार में जो है मुंबई के कुछ कलाकारों से मैं बात करके आया हूं वो दिसंबर महीना में मोतिहारी में शूटिंग करने वाले हैं फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं जब वो लोग आएंगे और यही सब चीजें देखेंगे तो क्या लेके जाएंगे अभी दिसंबर में इसी दिसंबर महीना में मुंबई में मैं पिछली बार गया था तो मैंने बात किया था अभी दिसंबर महीना में सेट लगने वाला सेट पे मैं जाने वाला हूं मगध यूनिवर्सिटी के लिए एक लड़का जो है वो रणबीर कुमार सुमन लिख रहे हैं कि भैया प्लीज मगध यूनिवर्सिटी लाइफ बर्बाद हो रहा है उसके लिए आवाज उठाइए मगध यूनिवर्सिटी के लिए मैं कम से कम दस वीडियो बनाया हूं आप लोग जितना ये अश्लील गानों को शेयर करते हैं मगध यूनिवर्सिटी के वीडियो को शेयर कर दिए होते तो ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बच जाता लेकिन मगध यूनिवर्सिटी में जाके मैंने जातिवाद नहीं ना किया था इसलिए आप लोग ऐसा नहीं किए सही है ना क्या करना है हमें और हम क्या करना है यार कितना गंदा लगता है जब हम बिहार से बाहर जाते हैं और हमें जो कोई जो है गलत निगाह से देखता है कितना गंदा लगता है अरे बदलिए ना आज जब मेरा सीना छप्पन इंच का हो जाता है गुजरात के किसी भी कोने में जाता हूं और लोग बोलते हैं अरे ये तो बिहारी रिपोर्टर है और बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करता है यार सीधे कसम से बोल रहा हूं मैं जब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जब बिहार से बाहर जाएंगे और लोग बोलेगा कि अरे ये कलाकार का फिल्म जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हिट फिल्म है कितना गर्व महसूस होगा यार कितना गर्व महसूस होगा जरा सोचिए और बंद कीजिए और खेसारी लाल यादव जी हम अब आपके साथ हैं क्युं? क्यों क्योंकि इस बार आप गलत नहीं हैं और जब गलत थे खेसारी लाल यादव जी तो मैं लाइव आके आपका विरोध किया था और अभी भी मैं वो वीडियो डिलीट नहीं किया मेरे यूट्यूब पे फेसबुक पे आपका वीडियो पड़ा हुआ है जब मैंने आपका विरोध किया था मैं आप और पवन सिंह जब लड़े थे तो दोनों का विरोध किया था उस समय मैं त्रिवेंद्रपुरम में था और समुन्दर के किनारे था और वहां से वीडियो बनाया था मैंने विरोध किया था इस बार आप गलत नहीं है और इंडस्ट्री छोड़ने की जरूरत नहीं है आपके जैसे कलाकारों की जरूरत है और आप लोग जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं सब लोग एक मिलके एक होके रहिए एक दूसरे से प्रेम कीजिए एक दूसरे से जलेंगे ना तो आप लोग अपना बर्बादी खुद करेंगे बाकी आप लोगों की मर्जी बस देखिए अभी 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 थोड़ी देर पहले जो है लाइव से दस मिनट पहले मैं होटल में आया हूं अभी आप। होटल में है हम लोग विनती है आप लोगों से कि थोड़ा सा जो है देखिए बीपीएससी के लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं सर बीपीएससी के बारे में बीपीएससी के बच्चों के साथ गलत हो रहा है क्यों नहीं आप लोग जो है आवाज उठा रहे क्यों नहीं उनके साथ मैंने बीपीएससी के बच्चों के लिए आवाज उठाया था मुझे भी बहुत बुरा लगा था दस वीडियो मैंने बीपीएससी के बच्चों के लिए बनाया था दस वीडियो जाके देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी भी पड़ा हुआ है जब जो है रिजल्ट में धांधली हुआ था मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पटना रेलवे स्टेशन पे जाके उस रात में वीडियो बनाया था सबसे पहले मेरा वीडियो अपलोड हुआ उसके बाद से नेशनल चैनल ओएनएल वाले का वीडियो अपलोड हुआ पटना रेलवे स्टेशन से एग्जाम के बाद कम से कम चार से पांच हजार बच्चों के बीच में लोग शेयर नहीं करते हैं बीपीएससी के छात्र खुद शेयर नहीं करते हैं जरा बताइए बताइए क्यों ऐसा करते हैं आप लोग टीचर के लिए मैं गर्दनी बाग जाके वीडियो बनाया हूं कम से कम कम से कम ये शिक्षकों के लिए तो मेरा पचास वीडियो है चैनल पे पिछले दो साल से मैं बात कर रहा हूं अब आ, आंदोलन में आ, कवरेज करने इसलिए भी हम लोग नहीं जा पाते हैं उसके पीछे रीजन है हम आंदोलन में कवरेज करने जाते हैं और लोग जो है सब कुछ छोड़ के जो है ना फोटो भैया फोटो आप हमसे प्यार करते हैं तब ऐसा कहते हैं मुझे पता है लेकिन जब आंदोलन में मैं कवरेज करने गया हूं मेरे पास आधे ही घंटे का समय है मैं समय निकाल के कवरेज करने आया हूं और उस समय जो है मैं फोटो दू कि आंदोलन में कवरेज करूं मेरे दिमाग में जो है कुछ बातें चल रही है स्क्रिप्ट तो है नहीं सामने लिखा हुआ है नहीं मैं कवरेज कर रहा हूं तो मुझे कवरेज कर लेने दीजिए मुझे वहां से निकल जाने दीजिए फिर उसके बाद से मैं घिर जाता हूं इसलिए आंदोलन में कवरेज करने नहीं जाता हूं मेरी मजबूरी है मैं माफी चाहता हूं लेकिन मेरा पत्रकार जो है आंदोलन में कवरेज करने जाता है समझा जाए एक दूसरे के भावनाओं को समझा जाए एक दूसरे के प्रेम को समझा जाए और बिहार के विकास के लिए बिहार के तरक्की के लिए कुछ प्रयास किया जाए बाकी अगर मेरी बातें किसी को भी थोड़ी भी बुरी लगी होगी तो मैं माफी चाहता हूं बस आइए मिलके बिहार को बदले विनती है आइए बिहार को ब्रांड बिहार बनाए इधर है दिल में और अब ये सब चीजें बंद होना चाहिए और खेजारी लाल यादव जी आपको लाइव आके रोने की जरूरत नहीं है फाइटर हैं आप और फाइट कीजिए और लड़िए और आगे बढ़िए ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है बहुत सारे लोग जो है नाम को बदनाम करके जो है शोहरत पाने का प्रयास करेंगे टांग खींच के जो है शोहरत पाने का प्रयास करेंगे डरने की जरूरत नहीं है बस अपना काम करते रहने की जरूरत है जय हिंद